एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं पीरियड्स को लाने का आसान घरेलू उपाय और पीरियड्स ना आने के कुछ कारण, जो कि प्रेगनेंसी के अलावा और कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं और आपको पीरियड्स लेट हो जाते हैं, आपके एक महीना दो महीना पीरियड्स लेट हो जाते हैं। तो मैं आज आपको एक चीज ऐसी बताने जा रही हूँ, आपको बना करके दिखाऊंगी जिससे आपके पीरियड्स तुरंत इसको पी करके आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी लड़की के अगर पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो ये उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ इरेगुलर पीरियड्स का क्या मतलब होता है। देखिए, पीरियड्स का दो दिन या फिर तीन दिन लेट होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको तीन दिन से ज्यादा अगर पीरियड्स लेट हो गए हैं, आपको तीन दिन से ज्यादा पीरियड नहीं आ रहे हैं आपकी पीरियड डेट के बाद, तो ये चिंता वाली बात है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और ये क्यों होता है, इसके कुछ कारण हैं। देखिए, अगर आपको पीरियड्स एक महीना या दो महीना तीन महीना नहीं आ रहे हैं तो आप इस ड्रिंक को पिए और इससे अपने पीरियड्स रेगुलर आप कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि पीरियड्स ना आने के और क्या कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहला माना जाता है प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। दूसरा कारण आपका हो सकता है थायराइड। अगर आपको थायराइड हो जाता है तो थायराइड में भी आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो पीरियड साइकिल को कंट्रोल करती है, तो इसमें आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। तीसरा कारण आपका हो सकता है पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें क्या होता है, आपकी ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और आपको एक महीना दो महीना तीन महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसके आप सिम्टम्स पहचान सकते हैं। पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं पेट का निचला हिस्सा बहुत मोटा हो जाता है, और इसके अलावा तीन चार महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, आपके फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं, आपके फेस पर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होने लगती है जो दाढ़ी टाइप की होती है, और इसके अलावा आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, आपको हेयर्स में प्रॉब्लम होने लगती है, आपके नेल्स खराब होने लगते हैं, आपका वजन बढ़ने लगता है, मोटापा होने लगता है, तो ये सब पीसीओडी के लक्षण है। तो इसके अलावा आपको अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि आपने गर्भ निरोधक गोलियां खाई हैं तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे, आपकी पीरियड डेट चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा है तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये सभी कारण हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको किस वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपके पीरियड लेट हो रहे हैं या मिस हो रहे हैं। तो ये तो हो गए कारण जो मैं आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जिससे कि आप आसानी से अपने पीरियड्स ला सकती हैं। तो आप आसानी से लिख लीजिएगा इसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। देखिए, इसमें हमें चाहिए एक गिलास पानी, एक गुड़, एक चम्मच अजवाइन, पांच दाने काली मिर्च के, और इसमें हमें चाहिए ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। ये हमें चीजें चाहिए और एक गुड़, ये सारी चीजें हमें चाहिए। इसके अलावा इसको हमें क्या करना है, एक गिलास पानी में इन सब चीजों को डाल देना है और इसको पांच मिनट तक अच्छे से पकाना है। इसके बाद इसको, इस ड्रिंक को आप आसानी से इसको सुबह खाली पेट लीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी बात आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप इसको सुबह खाली पेट लें तो इसके आधे घंटे तक आपको कुछ और खाना पीना नहीं है और आपको स्कीपिंग करनी है यानी कि रस्सी कूदनी है। तो कम से कम पांच से दस मिनट आपको रस्सी कूदनी है यानी कि स्कीपिंग करनी है, इससे आपके पीरियड्स आसानी से आ जाएंगे। बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स आधे घंटे के अंदर भी आ सकते हैं और बहुत सारी लड़कियों को जिनकी सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो किसी को टाइम भी लग सकता है। तो आपको एक बार सुबह में खाली पेट लेना है और दूसरी बार आपको शाम को डिनर के बाद इसको लेना है। तो ये दो टाइम आपको लेना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सबके, मैंने आपको बताया है सभी के कारण अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, आपको डेली लेना है ये दो टाइम। तो इससे आपको पीरियड्स एक तो खुल कर आएंगे और रेगुलर पीरियड्स आपके हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं, मैम आपने तो आधे घंटे के लिए बोला था, आधे घंटे में पीरियड्स नहीं आए, हमने तो दो बार पी लिया हमारे पीरियड्स नहीं आए। देखिए, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो सबके लिए थोड़ा बहुत लेट काम कर सकता है, तो आपको काम जरूर करेगा लेकिन पीरियड्स जरूर आएंगे। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको जब तक पीरियड्स ना आ जाए तब तक आपको ये रेगुलर यूज करना है, तो आपको पीरियड्स जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं इस टाइप की वीडियोज देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।